नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है। आजकल ट्रांसमिशन लाइंस को बनाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि सीवियर आरओडब्ल्यूज के इशू आ जाते हैं। आरओडब्ल्यू बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि आजकल लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं और बहुत लोग जानकार भी हैं कि उनके लैंड से अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन होकर गुजरेगी तो उसका लैंड के वैल्यू का डेप्रिसिएशन भी हो जाता है। आमतौर पर लोगों का इस तरह का मानना है, लेकिन यूटिलिटीज़ को और लाइसेंसेस को अपनी लाइन कैसे बनानी है, उसके लिए उसके पास क्या पावर्स हैं, इसको लेके कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। तो इसमें मैं चीज़ एक बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की सेक्शन 164 में इस लाइन को बनाने का आपको अधिकार प्राप्त है। अगर सेक्शन 164 की बात करेंगे तो वो सेक्शन आपको लेके जाता है इलेक्ट्रिसिटी टेलीग्राफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की तरफ। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में ये पावर आपको निहित की गई है, दी गई है। तो इससे तो आप अपनी लाइंस का कंस्ट्रक्शंस की पावर आपको मिलती है। दूसरा जो सीवियर इशू आता है कि कोई आदमी अगर डिस्प्यूट पैदा करता है, आरओडब्ल्यू नहीं देता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। उसके लिए अगर हम पुराने एक्ट की बात करें, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की, तो सेक्शन 11 में ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी। उसमें भी नए रूल्स आने के बाद या फिर नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आने के बाद उसमें एक सेक्शन है वर्क ऑफ लाइसेंसीज वाला, उसमें सेक्शन 68 में भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। उसके बाद सन 2006 में अलग से वर्क ऑफ लाइसेंसीज रूल्स निकाले गए, जिसमें कि बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से ये बताया गया कि इनके रिजोल्यूशंस कैसे होंगे। कोई भी आदमी जो इसको लेके अग्रीव्ड है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। इसमें कोई भी जा सकता है, जिसके खेत में टावर गड़ रहा है वो भी जा सकता है, या लाइसेंसी खुद भी मूव कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेंगे वहाँ की ज्योग्राफिकल और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के हिसाब से कि वहाँ से लाइन निकाली जाए या नहीं निकाली जाए। आम तौर पे कंपेंसेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। कंपेंसेशंस की पावर या फिर तो डिसाइड करने की पावर, कंपेंसेशन डिसाइड करने की पावर, या फिर तो सेक्शन 67 और 68 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में रेगुलेटरी कमीशंस को है, या फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में सेक्शन 16 में यह पावर डिस्ट्रिक्ट जज को दी गई है। इसलिए इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए है। तीसरी चीज़ जब निकल के कई बार ये भी आता है, किसान कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई थी, उस हिसाब से हमको कॉरिडोर का पैसा भी दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई थी, ये बात बिल्कुल सही है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लाइसेंसेस द्वारा अंगीकृत किया जाना था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी उस गाइडलाइंस के कुछ हिस्से को अंगीकृत किया गया है, और उसी गाइडलाइंस के तहत अब हम जिस एरिया में टावर लगती है उसका 85% ऑफ द सर्किल रेट के हिसाब से हम कंपेंसेशन लैंड का भी देते हैं। पहले सिर्फ क्रॉप का कंपेंसेशन था, लेकिन अब लैंड का भी कंपेंसेशन दिया जाता है। लेकिन इस गाइडलाइंस में जो कॉरिडोर के नाम पर कंपेंसेशन की बात थी, उसको कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने या फिर स्टेट यूटिलिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 85% ऑफ द लैंड इन विच टावर इज इरेक्टेड उसका प्रोविजन है, और वास्तविक जो क्रॉप डैमेज हुई है उसमें उसका प्रोविजन है कंपेंसेशन का, लेकिन कॉरिडोर का कोई कंपेंसेशन का प्रोविजन नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं। इसको लेकर काफ़ी कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। मेन चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप चार गुना मुआवजा क्यों नहीं देते हैं लैंड का। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लैंड एक्वायर नहीं करते हैं, लैंड उसी की प्रॉपर्टी रहती है जिसकी वो है, इसलिए हम लोग उसको चार गुना मुआवजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन की श्रेणी में नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच। यही था जो मैं आपसे कुछ शेयर करने चाह रहा था। मौसम बहुत अच्छा है, मेरे पीछे बहुत अच्छे देवदार की चीड़ के पेड़ हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं ये।
ये उत्तरांचल का बहुत शानदार एरिया है। थैंक यू वेरी मच।